अजमेर ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद फैसला, 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। टीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई। शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद है। थाने में दो बच्चियों से छेड़खानी पर आक्रोश। बदलापुर में लोगों का सड़क से लेकर स्कूल तक बवाल। जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना पर डिप्टी सीएम फडणवीस का एक्शन। 3 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड करने के दिए निर्देश। कार्रवाई में देरी के चलते निलंबन के आदेश दिए। बदलापुर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया आश्वासन। बदलापुर केस को लेकर सियासत हाई। उद्धव ठाकरे बोले, जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का है। बलात्कारी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करें, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बदलापुर घटना को लेकर भड़के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे गृह मंत्रालय वाले। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। पूछा एफआईआर दर्ज करने में क्यों देरी हुई। 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगे स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का किया गठन। कहा, हम एक और ऐसी घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को दिया भरोसा, चिंता ना करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूछा, 7000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे। सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार। कहा, डॉक्टर्स पर अपनी ताकत ना दिखाएं, डॉक्टर्स को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की कमी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में हुआ प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में कलाकारों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर। कोलकाता रेप मर्डर केस पर दिया अपडेट। हॉस्पिटल में सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ सख्त। एम्स समेत सभी सरकारी अस्पतालों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा। पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प भी हुई।